नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है, अब खाते में आएंगे 90,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में इतनी मोटी रकम क्यों और कैसे आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के डीए में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करने जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को 3-3 बड़ी सौगात एक साथ देने जा रही है सरकार। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सूत्रों की माने तो बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और डीए में बकाया का भुगतान शामिल किया गया है। इसी के चलते महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा का भी अकाउंट डाउन शुरू हो गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 2.57% की दर से फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिल रहा है और इसी के साथ होने वाले महंगाई भत्ते में 42% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। दोस्तों, साथ ही वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी किया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी। दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाएगा। साल 2024 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया है। दोस्तों, वही साल 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति है कि 2024 में इसकी घोषणा होने के साथ ही 2026 से इसे लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि मोदी सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को मिलेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में सालाना जनवरी की शुरुआत से ही जुलाई महीने के अंत तक बढ़ोतरी करने का नियम देखने को मिल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% कर्मचारी का डीए बढ़ाया और सीधा कर्मचारी का डीए 42% पर पहुंच गया। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था, वही 7वें वेतन आयोग को भी इसी वर्ष लागू किया गया था। ऐसे में वेतन आयोग को लागू करने और बढ़ाए जाने के कारण कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। और दूसरी तरफ यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी सीधे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के अनुसार आगामी वर्ष में 8वीं वेतन आयोग को लागू माना गया है। वैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला तय किया गया है। फॉर्मूले के हिसाब से समय के अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारी की सैलरी में सममित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑटोमेटिक डीजल सिस्टम का नाम दिया गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं 50% से ज़्यादा महंगाई भत्ता होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।